हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका ई लर्नम के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के सबसे हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, जो है क्रिस्पर कैश 9 जी एडिटिंग सिस्टम। ओके, तो क्रिस्पर कैश 9 जो है, इस सिस्टम की डिस्कवरी की थी जेनिफर डोना एंड इमैनुअल सारपेंशर ने। और जेनिफर डोना इमैनुअल सारपेंशर को 2020 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये नोबेल प्राइज इसलिए और भी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इस नोबेल प्राइज को पहली बार दो फीमेल साइंटिस्ट ने शेयर किया था। तो ये एनकरेजिंग है, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है उन फीमेल साइंटिस्ट के लिए जो इस फील्ड में एक्टिव हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्रिस्पर कैस 9 सिस्टम है क्या। तो कुछ सालों पहले बैक्टीरिया में एक अलग तरह के सिक्वेंसेस को देखा गया है ना। और ये सीक्वेंसेस कैसे थे, इन सीक्वेंसेस में एक पर्टिकुलर स्पेस, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीटेड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस थे, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस कुछ इस तरह के सीक्वेंसेस थे। और इन सीक्वेंसेस में स्पेशल क्या था, इन सीक्वेंसेस में एक पर्टिकुलर स्पेस के बाद रिपीट्स थे और ये रिपीट्स पैलिंड्रोमिक थे। पैलिंड्रोमिक मीन्स आप अगर इसको 5'-3' रीड करें और यहाँ से 5'-3' रीड करें तो ये दोनों तरफ से ये सीक्वेंसेस सेम होंगी, है ना। तो फिर इन सीक्वेंसेस को नाम दिया गया क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ओके, इसका नाम दिया गया क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। फिर कुछ टाइम बाद और ज़्यादा रिसर्च हुई और ज़्यादा स्टडी की गई तो ये पता चला कि ये जो सीक्वेंसेस हैं, क्रिस्पर सीक्वेंसेस हैं, वो बैक्टीरिया के खुद के जीनोम के नहीं हैं, ये कहीं फॉरेन डीएनए से आए हुए हैं, कहीं फॉरेन एडेप्टेशन है, ठीक है, बैक्टीरिया के जीनोम के अंदर। अब फिर कुछ और एनालिसिस की गई तो हमें ये पता चला कि ये जो सीक्वेंसेस हैं वो वायरल सीक्वेंसेस हैं, आउटर सेल से आए हैं, जो बैक्टीरियोफेज है जो इन्वेड करता है बैक्टीरिया के ऊपर, तो उन सीक्वेंसेस को बैक्टीरिया ने अपने अंदर इंटीग्रेट कर लिया। तो जी हाँ, क्रिस्पर जो है वो पार्ट होता है बैक्टीरिया के एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का, ठीक है। तो बैक्टीरिया का ये एडेप्टिव इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है, ठीक है, तो हम जानते हैं। अब जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, जैसे ही कोई बैक्टीरियोफेज वायरस किसी बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर करता है तो उसका काम क्या होता है, वो अपने एक जीनोम को, अपने पार्ट ऑफ डीएनए को बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट कर देता है, ठीक है। और जब वो इंसर्ट करता है तो उसका क्या होता है कि उसको अपना जीनोम रेप्लिकेट करना पड़ता है। और एक जब वो रेप्लिकेशन जो होती है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर होती है और एक पर्टिकुलर इंटरवल बाद वो बैक्टीरियल सेल लेसिस कर जाती है और बहुत सारे बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट होके बाहर निकल जाते हैं। तो ये बैक्टीरियोफेज का सिस्टम होता है। लेकिन बैक्टीरिया क्या करता है, जब बैक्टीरियोफेज फर्स्ट टाइम इन्वेड करता है तब उसके जीनोम के एक पर्टिकुलर सेगमेंट को बैक्टीरिया अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेता है, ठीक है। वो इनकॉर्पोरेशन जो होती है वो क्रिस्पर सीक्वेंसेस के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो अब पहला इन्वेट जब हुआ है तो बैक्टीरिया ने उसके सीक्वेंसेस को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया है, वो हमारे पास आ गया क्रिस्पर एरे के फॉर्म में, ठीक है। अब जो ये क्रिस्पर एरे है, क्रिस्पर जैसे कि हम जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो ट्रांसक्राइब होके एमआरएनए फॉर्म करता है, ठीक है। तो जब भी ये क्रिस्पर डीएनए जो है, क्रिस्पर डीएनए ट्रांसक्राइब होगा तो ये फॉर्म करेगा क्रिस्पर आरएनए। तो क्रिस्पर आरएनए क्या होते हैं, क्रिस्पर आरएनए क्रिस्पर एरे से ट्रांसक्राइब होके बनते हैं, ठीक है। अब इन क्रिस्पर आरएनए पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं, किसके, जो वायरल डीएनए है उनके बेस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं क्रिस्पर आरएनए के ऊपर, ठीक है। अब बैक्टीरिया में एक अलग एंजाइम, मॉलिक्यूलर एंजाइम सीजर होता है, एंडोन्यूक्लियस होता है जिसको बोलते हैं कैस 9। तो इस एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में एक मॉलिक्यूलर सीजर होता है जिसका नाम होता है कैस 9।
अभी कैस नाइन है किस किस तरह से काम करता है, कैस नाइन जो है वो काम करता है क्रिस्पर आरएनए की हेल्प से। ये क्रिस्पर आरएनए से कॉन्जुगेट बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, और जैसे ही कैस नाइन और क्रिस्पर आरएनए एक दूसरे से कॉन्जुगेट होते हैं, तो कैस नाइन जो है वो क्लीव करता है। जो सेकेंड इनवेड होता है बैक्टीरियोफेज का, ये सेकेंड इनवेड हुआ ठीक, तो ये जो डी ये वापस से अपना डीएनए इनकॉर्पोरेट करेगा सेकेंड टाइम में। तो सेकेंड टाइम में जैसे ही ये अपना डीएनए इनकॉर्पोरेट करेगा, कैस नाइन के पास क्या है, क्रिस्पर आरएनए, जो कि गाइड की तरह काम करेगा, स्कैन करने में कि कौन सा बैक्टीरियोफेज का जीनोम है और कौन सा सेल्फ का है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है क्रिस्पर आरएनए। तो क्रिस्पर आरएनए के पास जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए आया है। तो ये स्कैन करते हैं, कैस नाइन स्कैन करता है क्रिस्पर आरएनए की हेल्प से, और जैसे ही कहीं बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए स्कैन होता है, कैस नाइन मॉलिक्यूल्स, कैस नाइन जो एंजाइम है वो वहां पे उसको क्लीव कर देता है, डिग्रेड कर देता है ठीक है। तो ये हुआ बहुत बेसिक नॉलेज है, ये बहुत बेसिक है क्रिस्पर कैस नाइन, क्रिस्पर कैस नाइन अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के बारे में बैक्टीरिया के। अब हम आगे बढ़ के जानेंगे कि क्रिस्पर कैस नाइन जीनोम एडिटिंग सिस्टम में कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं, है ना, कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं और ये कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। जी हाँ, तो अब ये जो क्रिस्पर कैस नाइन है, ये जीनोम एडिटिंग सिस्टम, ये किस तरह से काम करता है। क्रिस्पर जो होता है वो किसी तरह से, जैसे सपोज करिए हमारे डीएनए में कहीं कोई मिस्टेक है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, किसी सेल में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या कोई म्यूटेशन है जिसकी वजह से उस सेल का रेगुलर फंक्शन कॉन्टिन्यू नहीं हो पा रहा है ना। तो कैस नाइन क्या है, कैस नाइन एक सुपर हीरो की तरह है, जो जिसके होने से क्या पॉसिबिलिटी है कि वो उस म्यूटेशन को, उस डिसऑर्डर को, उस गलत सीक्वेंस को कट कर देगा, है ना, कट कर देगा। तो ये सुपर हीरो की तरह से है, वहाँ कट करेगा, फिर हमारे सेल के नेचुरल रिपेयर सिस्टम जो है, नेचुरल डीएनए रिपेयर सिस्टम, वो उसको ठीक कर देगी। तो कैस नाइन जो है वो सुपर हीरो की तरह है, और इसके लिए जो गाइड का काम करता है, जो जीपीएस का काम करता है, वो है क्रिस्पर, ठीक है। तो क्रिस्पर इज लाइक जीपीएस, और उस जीपीएस को जरूरत होती है एक सुपर हीरो की, जो उसको क्लीव करे और उस डीएनए में जो गड़बड़ी है, जो भी मिस्टेक्स हैं, उनको रिपेयर करे, है ना। तो क्रिस्पर का फुल फॉर्म, जैसा कि हमने पहले ही देख लिया था कि क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स है, और हमने पहली स्लाइड में ये देखा था कि ये पैलिंड्रोमिक रिपीट्स कैसे होते हैं। हर रिपीट के बीच में एक स्पेशल सीक्वेंस होता है, रिपीट होते हैं, स्पेशल सीक्वेंस होता है, फिर रिपीट, और ये रिपीट्स पैलिंड्रोमिक होता है, ये हमने पहले ही जान लिया था। तो इन स्पेशल सीक्वेंसेस की स्पेशलिटी होती है कि ये स्पेशल सीक्वेंसेस जो होते हैं 23 to 47 बेस पेयर्स के होते हैं, और ये 23 to 47 बेस पेयर्स के होते हैं, और ये वायरल डीएनए से इनकॉर्पोरेट हुए होते हैं बैक्टीरिया के डीएनए में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कैस नाइन को डिटेल में जानते हैं। तो कैस नाइन जो है वो प्रोटीन है, एक एंजाइम है, उसका नेचर जो है वो प्रोटीन का है, जैसा कि सारे एंजाइम्स का होता है, और ये जो है मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है। तो ये एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ठीक है, और इसका काम होता है कि जहां भी डीएनए मॉलिक्यूल, जहां मिस्टेक है, जहां भी म्यूटेशन हुआ है, वहां उसको कट करना, ठीक है। जीनोम एडिटिंग के टाइम पे इसको किस रेफरेंस में लेंगे, वहां पे तो जब हम बैक्टीरियल अडेप्टिव इम्यून सिस्टम की बात कर रहे थे, तो वहां क्या था कि वो उस कैस नाइन किसको टारगेट करता था, जो वायरल डीएनए थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम जीनोम एडिटिंग की बात करते हैं, तो कैस नाइन टारगेट करता है हमारे डिजायर्ड सीक्वेंस को, जहाँ पे म्यूटेशन है, जहाँ पे डिसऑर्डर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, वहीं पे कट करेगा जहाँ डिसऑर्डर प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो इस डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए होगा हमारे पास एक गाइड आरएनए, ठीक है, गाइड आरएनए होगा। वैसे जो कैस नाइन होता है, कैस नाइन एंजाइम के पास दो डोमेन्स होते हैं जो डीएनए में डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स दो डोमेन्स की वजह से होता है, पहला है आर यू वी सी वन
और दूसरा है HNH लाइक न्यूक्लियस डोमेन, ठीक है। जो RUBC1 होता है वो कट करता है Cas9 के उस सीक्वेंस को जो कॉम्प्लीमेंट्री गाइड RNA से अटैच नहीं होती है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गाइड RNA से अटैच नहीं होती है, उसके अपोजिट सीक्वेंस को RUBC1 कट करता है। HNH न्यूक्लियस डोमेन किसको कट करता है? HNH न्यूक्लियस डोमेन उस स्ट्रैंड को कट करता है जिससे गाइड RNA कॉम्प्लीमेंट्री अटैच हो जाती है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये गाइड RNA जो है वो जिससे अटैच है, वो जिस स्ट्रैंड से अटैच है इसको कौन कट करेगा? HNH। और इसके जो ऑपोजिट स्ट्रैंड है इसको कौन कट करेगा? RUBC1, ठीक है। तो ये इन डोमेन्स के बारे में हम क्लियर हो गए कि Cas9 के पास दो डोमेन्स हैं, RUBC1 और HNH लाइक न्यूक्लियस डोमेन, और इनको गाइड कौन करेगा? गाइड RNA। इनको टारगेट DNA सीक्वेंस तक कौन ले जाएगा? गाइड RNA, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो गाइड RNA होता है उसके भी दो पार्ट होते हैं, है ना। गाइड RNA के दो पार्ट होते हैं। गाइड RNA जो हमारा है वो एक लॉन्ग RNA स्कैफोल्ड होता है, लॉन्ग RNA स्कैफोल्ड होता है जिसमें दो तरह के RNA होते हैं, क्रिस्पर RNA और ट्रेसर RNA, ठीक है। ट्रेसर RNA का जो पूरा नाम है वो है ट्रांस एक्टिवेटिंग क्रिस्पर RNA। क्या है? ट्रांस एक्टिवेटिंग क्रिस्पर RNA। अब जो ये क्रिस्पर RNA है, अगर हम बैक्टीरिया के एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के व्यू में बात करें तो ये क्रिस्पर RNA ट्रांसक्राइब होते हैं क्रिस्पर एरे से, ठीक है। क्रिस्पर एरे से ट्रांसक्राइब होते हैं, और ये ट्रेसर RNA भी। लेकिन जब हम जीनोम एडिटिंग की बात करते हैं, जीन एडिटिंग की बात करते हैं, तो ये ट्रेसर RNA और क्रिस्पर RNA डिजाइन किए जाते हैं। ये डिजाइन किए जाते हैं उस सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री, जिस सीक्वेंस में हमें डिजायर्ड एडिटिंग चाहिए होती है ना, जहाँ डिजायर्ड एडिटिंग चाहिए होती है उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्रिस्पर RNA डिजाइन किए जाते हैं, और ट्रेसर RNA भी डिजाइन किए जाते हैं, ताकि वो दोनों कंबाइन होके गाइड कर सके Cas9 एंजाइम को कि कहाँ पे स्पेसिफिक कट लगाना है, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पे अब ये गाइड RNA को देख सकते हो आप कि ये दो चीजों से मिलकर बना है, दो कॉम्पोनेंट है इसके। पहला है क्रिस्पर RNA और दूसरा है ट्रेसर RNA। क्रिस्पर RNA जो है, क्रिस्पर RNA उसके पास है टारगेट स्पेसिफिक CRNA सीक्वेंसेस। टारगेट स्पेसिफिक CRNA सीक्वेंसेस से क्या मतलब है? कि जो हमारा टारगेट है उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस इसके पास होंगे। क्रिस्पर के पास क्या होंगे? टारगेट के स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होंगे। ये हमारे डिजाइन किए हुए होते हैं जीनोम एडिटिंग के टाइम पे। और अगर ये बैक्टीरिया के अडेप्टिव इम्यून सिस्टम की बात करें तो ये ट्रांसक्राइब हुए होते हैं। तो ये डिजाइन होते हैं क्रिस्पर RNA कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, इस टारगेट स्पेसिफिक के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। वहीं दूसरा होता है ट्रेसर RNA। अब क्रिस्पर का क्या काम होता है? क्रिस्पर RNA का, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना, टारगेट DNA के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसका काम होता है फाइंड करना, टारगेट लोकेशन को फाइंड करना और फिर उससे जाके बाइंड कर जाना, ठीक है। और ट्रेसर RNA का क्या काम होता है कि जब भी क्रिस्पर और Cas9 का कॉन्जुगेशन बनता है उस टारगेट DNA को स्कैन करने के लिए, तो ट्रेसर RNA क्या करता है, उस ट्रेसर RNA उस कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करता है और स्टेबलाइज करता है। तो क्या हुआ फंक्शन? क्रिस्पर का फंक्शन हुआ कि फाइंड एंड बाइंड, ठीक है, फाइंड एंड बाइंड। और ट्रेसर RNA का फंक्शन हुआ कि एक्टिवेट एंड स्टेबलाइज, ठीक। तो ये जो गाइड RNA होते हैं उनकी लेंथ जो होती है ऑलमोस्ट 20-25 बेस पेयर्स की होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है, बहुत छोटे सिक्वेंसेज होते हैं और ये प्रीडिजाइंड होते हैं जीन एडिटिंग के केस में। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कंपोनेंट है जो क्रिस्पर Cas9 सिस्टम का, वो है पैमसाइट, ठीक है। पैमसाइट जो क्या होता है, वो एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न होता है DNA क्रिस्पर एरे के पार्ट में। तो ये इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिव, मतलब कि प्रोटोस्पेसर के पास जो सबसे पास में जो मोटिव होता है उसको हम बोल देते हैं पैमसाइट, ठीक है। तो ये एक तरह से टैग का काम करता है, एक तरह से लेबल का काम करता है कि यहाँ अब इसके बाद से वो सीक्वेंसेस शुरू हैं
इस सीक्वेंस के बाद से वो सीक्वेंसेस शुरू हैं जो टारगेटेड है, जो हमें क्लीव करने हैं। तो ये एक तरह से कैस9 के लिए एंट्री डोर होता है, जैसे फ्रंट डोर ऑफ द हाउस, ठीक है। तो ये कैस9 के लिए एक एंट्री पॉइंट की तरह से होता है कि इसके नेक्स्ट एडजेसेंट जो होते हैं वो टारगेट डीएनए होते हैं, हमारे डिजायर्ड डीएनए होते हैं जहां क्लीव करनी होती है। तो जो कैस9 होता है वो पैम साइट्स को स्कैन करता है ना, और बहुत सारे केसेस में ये जो पैम साइट्स हैं उनका जो सीक्वेंस होता है एनजीजी होता है। क्या होता है? एनजीजी। अब एन इसमें क्या है? एन कोई भी न्यूक्लियोटाइड है, ये कोई भी न्यूक्लियोटाइड है, और जो जीजी है वो क्या है? ग्वानिन है, ग्वानिन है, ठीक है। तो पैम साइट्स की सीक्वेंस होती है एनजीजी। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्रिस्पर एरे है, ठीक है। उस क्रिस्पर एरे में एक कैस जीन है। इस कैस जीन का काम होता है कैस नाइन एंजाइम को एक्सप्रेस करना। ये क्या करेगी? ट्रांसक्राइब होगी तो कैस नाइन एंजाइम को के प्रोडक्शन को इनिशिएट करेगी, ठीक है। और ये हो गए आपके स्पेसर सीक्वेंसेस या रिपीट सीक्वेंसेस, जिनसे क्या होगा, जो हमारा टारगेट डीएनए है जहाँ पे हमें क्लीव करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये बैक्टीरिया का केस है, बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, तो ये ट्रांसक्राइब होता है, ठीक है, ट्रांसक्राइब होता है सीआरआरएनए में। अगर ये जीनोम एडिटिंग का केस है तो हमने पहले भी सुना है कि ये सीआरआरएनए और ट्रेसर आरएनए डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। अब जब अगर ये बैक्टीरिया का केस है तो क्या होता है कि ये दोनों कंबाइन होते हैं कैस नाइन के साथ और स्कैन करते हैं उन टारगेट डीएनए को, उन फेज डीएनए को जिनको डिग्रेड करना होता है। और जीनोम एडिटिंग के केस में क्या होता है, ये क्रिस्पर आरएनए और ट्रेसर आरएनए कंबाइन होते हैं कैस नाइन के साथ। ट्रेसर आरएनए क्या करता है? फाइंड एंड बाइंड करता है क्योंकि ये डिजाइन है उस पर्टिकुलर एरर को, पर्टिकुलर म्यूटेशन को फाइंड करने के लिए। तो ये क्रिस्पर आरएनए गाइड करता है कैस9 को उस जगह को ढूंढने में, और ट्रेसर आरएनए क्या करता है? उसको एक्टिवेट एंड स्टेबलाइज करता है उस पर्टिकुलर टारगेट सीक्वेंस पे, ठीक है। अब जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि कैस9 के पास दो डोमेन है, दो क्लीवेज डोमेन है। पहला है RUBC1 और दूसरा है HNH लाइक न्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। तो ये RUBC1 क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि ये नॉन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड पे डबल कट करेगा, और जो HNH है, वो कॉम्प्लीमेंट्री, जहाँ पे ये क्रिस्पर आरएनए बाइंड है, गाइड आरएनए बाइंड है जिस स्ट्रैंड पे, उस पे HNH क्या करेगा? क्लीव करेगा, है ना। तो इस तरह से क्रिस्पर और कैस9 का काम पूरा हो जाता है जस्ट एक डबल स्टैंडर्ड ब्रेक क्रिएट करके, ठीक है। अब बारी आती है हमारे सेल के नेचुरल रिपेयर सिस्टम की, जो नेचुरल डीएनए रिपेयर सिस्टम होता है, ठीक है। अब इतना काम हो गया कि जो हमारा डिजायर्ड टारगेट सीक्वेंस था, जहां पे एरर था वहां पे कैस9 ने कट कर दिया गाइड आरएनए की हेल्प से, ठीक है। अब जो है वो बाकी का काम जो होगा वो होगा सेल का, ठीक है, सेल के नेचुरल रिपेयर सिस्टम का। अब नेचुरल रिपेयर सिस्टम दो तरीके से काम करता है। पहला जो है नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग मेथड होता है, और जो दूसरा होता है वो होता है होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर, HD रिपेयर, ठीक है। तो पहला है नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग, दूसरा है HD रिपेयर। तो जब हम बात करते हैं नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग की, तो सपोज कि आपके पास जो डीएनए है जहां पे ब्रेकेज है ना, उसको सपोज करो कि ये आपके जैकेट के जिपर जैसा है जिसके एक दो स्ट्रैंड टेढ़े मेढ़े हो गए, और अब वो सही से जिप नहीं हो पा रहा है, पूरा सही से जिप नहीं हो पा रहा है, फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो सपोज करो आपने किसी ऐसे किसी ऐसे वर्कर को दे दिया, किसी ऐसे इंसान को दे दिया उसको फिक्स करने को, जिसको बस इस बात से मतलब है कि वो कैसे भी जिप हो जाए, जिप इट अप हो जाए। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि वो परफेक्टली एक दो अलाइन होके रिपेयर हो रहा है या कैसे भी हो रहा है, उसमें प्रिसीजन है या नहीं है, उसमें फिनिशिंग है या नहीं है, बस उसको इस बात से मतलब है कि ये जिप इट अप हो जाए। तो सेम वे में नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग रिपेयर काम करता है। इसका क्या होता है, ये कैसे भी बस सीक्वेंसेस को एक दूसरे से ज्वाइन करके एक दूसरे के से सारे न्यूक्लियोटाइड को, भले वो
मतलब सही से बाइंड हो रहे हो नहीं हो रहे हो, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो नहीं हो, कैसे भी करके उन ब्लैंक स्पेसेस को फिल कर देता है ना। तो ये जो होता है वो अब ऐसा है तो ये सही से तो करेक्ट होगा नहीं, सही से रिपेयर होगा नहीं, तो ये क्या क्रिएट करते हैं, नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग्स जो है वो इंसर्शन एंड डिलीशन म्यूटेशंस क्रिएट करते हैं, फ्रेमशिप म्यूटेशन क्रिएट करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो है क्योंकि म्यूटेशन हो रखा है तो वो या तो सही प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं करेगा, और या तो ऐसा भी म्यूटेशन हो सकता है कि वो जीन एक्सप्रेस होना ही बंद हो जाए, ठीक है। तो ये होता है एरर, बहुत एररफुल मेथड होता है। दूसरा मेथड जो होता है वो क्या होता है, दूसरा मेथड जो होता है द होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर या HDR रिपेयर, ठीक है। अब HDR रिपेयर में क्या होता है कि होमोलोगस होमोलोगस आर्म्स जो है वो यहाँ पे बाइंड कर जाते हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब जो क्योंकि ये होमोलोगस हैं तो ये बाइंड नहीं होंगे, है ना। और फिर ये जो टारगेट सीक्वेंसेस हैं यहाँ पे ये स्पेसिफिक चेंज को इंसर्ट कर देता है, ठीक है। तो होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर बिल्कुल ऐसे है कि अगर आप सपोज करो कि अगर आपका ये जो DNA है जहाँ पे ब्रेकेज हुआ है, जहाँ से पीसेज मिस हैं, वो अगर किसी पजल जैसे हैं, है ना, सपोज करो कि वो एक जिग्सॉ पजल टाइप से हैं, तो पजल का कोई एक पीस मिस हो गया है ना, पीस मिस हो गया और वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर ऐसी मैकेनिज्म है कि वो उस पीस को वापस से रीफ्रेम करेगी एज इट इज, बहुत ही प्रिसीजन से, बिल्कुल परफेक्शन से, और वहां पे एज इट इज उस पूरे फ्रेम को रीफ्रेम कर देगी, है ना। तो ये जो होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर होता है, HD रिपेयर होता है, ये बहुत ही प्रिसाइज मेथड होता है और लेस एरर प्रोन मेथड होता है DNA रिपेयर का। और इससे जो mRNA बनता है वो एक्यूरेट mRNA बनता है जो हमें डिजायर्ड होती हैं, जिससे जो चेंजेस डिजायर्ड होते हैं, जैसा प्रोटीन चाहिए होता है एक्सप्रेस होने को वैसा होता है। तो ये हो गया होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर। तो आगे बढ़ते हैं, अब हमने ये चीज समझ ली है कि क्रिस्पर कैस नाइन कॉम्प्लेक्स कैसे काम करता है और ये कैसे डबल स्टैंडर्ड ब्रेक थ्रू क्रिएट करता है, और फिर दो मेथड्स एंड नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग और HD रिपेयर के थ्रू ये कैसे पूरा सिस्टम रिपेयर होता है, पूरी एडिटिंग कैसे होती है। अब इस क्रिस्पर कैस नाइन का एप्लीकेशन क्या है, क्रिस्पर कैस नाइन जो है वो जेनेटिक डिजीजेज को ट्रीट करने में हेल्प करता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में हेल्प करता है, जहाँ भी म्यूटेशन हुआ होगा, जहाँ भी कोई चेंजेस हुए होंगे, वहाँ हम क्लीव उस टारगेट सीक्वेंसेस को टारगेट करके क्लीव कर सकते हैं कैस नाइन एंजाइम के हेल्प के थ्रू, उनको वापस से रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के रिवर्सल में काम आता है, बैक्टीरिया में जहाँ भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं उनको हम इन कैस नाइन एंजाइम्स के थ्रू कट कर सकते हैं, क्लीव कर सकते हैं, और उस बैक्टीरिया में, जो कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, तो हम दवाइयाँ खाएंगे और वो काम नहीं करेगा क्योंकि बैक्टीरिया पहले से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। तो ऐसे में ये बहुत ही हेल्पफुल मैकेनिज्म है कि हम रिवर्स कर सकते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को बैक्टीरिया में। दूसरा होता है, हम मॉलिक्यूलर रिकॉर्डिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं, हम लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं उन क्रिस्पर के छोटे छोटे जो स्पेसर सीक्वेंसेस के, जो रिपीट्स के बीच में जो सीक्वेंसेस हैं, वहाँ हम अपने डिजायर्ड मॉलिक्यूल को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम किसी भी बैक्टीरिया के जीनोम में। ऐसे ही ये जीनोम इंजीनियरिंग में काम आता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के लिए कस्टमाइज्ड बेबीज, जिसको डिजाइनर बेबीज भी बोलते हैं, डिजाइनर बेबीज। तो इस तरह से ये जीनोम इंजीनियरिंग में, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के क्रिएशन में भी हेल्प करता है। उम्मीद है आपको ये क्रिस्पर कैस नाइन ईजी वे में समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।